हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 10.4 ऑफ चैप्टर 10। इन दिस एक्सरसाइज आई विल टेल यू अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू सॉल्व हियर। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इन अ ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। एक ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी। इफ़ एंगल ए इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर एंगल ए जो है वो राइट एंगल है, तो जो एंगल आपका जहाँ पर एंगल बनता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वही आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो यहाँ पर एंगल ए पर अगर एंगल बन रहा है तो उसका अपोजिट साइड जो होगा वो बी सी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू बी सी हम लिखेंगे। और अगर एंगल सी पर बन रहा है, इज़ द राइट एंगल, अगर आपका एंगल सी जो है राइट है तो उसको हम ए बी कहेंगे। फिर आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड्स। यहाँ जो राइट ट्राइंगल्स दिए हैं इसमें अननोन साइड्स की आपको लेंथ फाइंड करनी है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसमें इसका बेस 8 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर हमने लिखा यहाँ पर। हियर बेस बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, ए सी इक्वल टू अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करने पर 289 आएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 17 हो जाएगा। सो यहाँ पर जो थर्ड साइड अननोन साइड है वो आपके 17 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें दिया हुआ है बेस दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, आपको हाइट फाइंड करना है, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो बेस इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो पी आर स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर 676 माइनस 576 इक्वल टू 100, और पी क्यू इक्वल टू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको रिमेनिंग साइड्स जो है अगर आपको फाइंड करनी है, थर्ड साइड फाइंड करना है, तो इसके लिए जो फार्मूले होते हैं जो मैंने लाइव क्लासेस में भी आपको बताए हैं, और अगर नहीं आता तो आप उसको लाइव क्लास में भी आके पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, डू द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम और वाई। डू द लेंथ ब्रेथ एंड द डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगल, क्या किसी भी रेक्टेंगल के लेंथ ब्रेथ और जो डायगनल होते हैं वो रेक्टेंगल को सेटिस रेक्टेंगल के वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो यस, दे सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए वो सेटिस्फाई करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया हुआ है, ए रॉम्बस ऑफ साइड्स 30 सेंटीमीटर हैज़ वन ऑफ इट्स डायगनल लेंथ डायगनल्स 36 सेंटीमीटर। एक रॉम्बस की साइड 30 सेंटीमीटर है, उसका एक जो डायगनल है वो 36 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर डायगनल, आपको अदर डायगनल फाइंड करना है। देखिए आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जैसे दिया हुआ है कि इसकी जो रॉम्बस है इसमें सभी साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर की हैं। अब ये डायगनल मान लीजिए कि इसका 36 सेंटीमीटर है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 36 है। तो रॉम्बस के डायगनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स अगर ये पूरा आपका 36 है तो ये इधर से यहाँ से यहाँ तक ए हो जाए 18 हो जाएगा, और ये भी 18 हो जाएगा, टू पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। तो लेट पी क्यू आर एस इज अ रॉम्बस इन विच डायगनल पी आर, ये पी आर और क्यू आर इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं एट ओ, ओ पर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाय ट्राइंगल पी ओ क्यू। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखिए, पी ओ क्यू पी आर पी क्यू इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, क्योंकि वो साइड से रॉम्बस की तो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ओ पी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, क्योंकि 36 डायगनल दिया हुआ था तो उसको हाफ कर देंगे तो 18 सेंटीमीटर। ओ क्यू आपको फाइंड करना है, तो ओ क्यू इक्वल टू 30² - 18² इक्वल टू 900 - 324, तो 576 हो जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 24 सेंटीमीटर। तो ये जो मतलब यहाँ से यहाँ तक x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी
24 हो जाएगी, और 24 इंटू 20 प्लस 24 या 24 इंटू 2 कर देंगे तो 48 सेंटीमीटर आपके डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, ए रूम इज 8 मीटर लॉन्ग, ए रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज बीन हार्डली फिटेड इंटू द रूम ऑन इट्स फ्लोर फ्रॉम इट्स वन कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रूम। रूम की ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 8 मीटर, लेंथ ऑफ रॉड कैन बी फिटेड, जो उसमें रॉड रखा जा सकता है वो 10 मीटर। लेट द ब्रेथ ऑफ रूम इक्वल टू x मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन्स 100, 8 स्क्वायर मीन्स 64, x इक्वल टू अंडर रूट 36 या 6 मीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू जो ब्रेथ होगी वो 6 मीटर हो जाएगी, हेंस द ब्रेथ ऑफ द रूम इज विल बी 6 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक टीवी स्क्रीन की जो लेंथ होती है, लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, आपको इसका डायगोनल, क्योंकि जो टीवी की जो लेंथ आती है, जो हमें आती है 80 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, वो हमेशा डायगोनल के थ्रू होती है, ना कि ये क्या कहते हैं वो लेंथ या ब्रेथ के थ्रू होती है। तो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 100 इक्वल टू 676 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही टीवी स्क्रीन की लेंथ हो जाएगी। ठीक है ना। सो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लाइव क्लास में आके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।